राइट फ्रेंड्स, सो नाउ इसी कंसेप्ट पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट के ऊपर हम लोग कंसिडर करते हैं. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 आप ले लीजिए, पेज नंबर 5.26. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मई 22 में भी पूछा हुआ है. मई 22 एग्जाम जो आपका हुआ है SCMPE का, उसमें भी ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ है मई 22 में. तो आप जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, आप जरा देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर 5.26, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो पहले अपन समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है. सतीश एंटरप्राइजेस आर लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ किड्स टॉयज, राइट. सतीश एंटरप्राइजेस किड्स टॉयज के लिए है. जे लिमिटेड ऑफ यूएसए हैव अप्रोच सतीश एंटरप्राइजेस फॉर एक्सपोर्टिंग ए स्पेशल टॉय नेम जंपिंग मंकी. द ऑर्डर विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 years एट द रेट ऑफ 3000 टॉयज पर मंथ. द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द टॉय विल बी $4. कॉस्ट डाटा पर टॉय इज एज गिवन बिलो, राइट. आपको दे रखा है एज फॉलो. मटेरियल 60 रुपीज, लेबर 25, वेरिएबल ओवर एट 20, प्राइमरी पैकिंग ऑफ द टॉय 15. द टॉय विल बी पैक्ड इन ए लॉट्स ऑफ 50 ईच. फॉर दिस पर्पज स्पेशल बॉक्स विच विल कंटेन द 50 टॉयज विल हैव टू बी परचेज एंड द कॉस्ट ऑफ द टॉयज इज 400. जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था सेम एग्जाम्पल ही है यहाँ पे ना. सतीश एंटरप्राइजेस विल ऑल्सो हैव टू इम्पोर्ट ए स्पेशल मशीन फॉर मेकिंग द टॉयज. द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 24 लाख एंड ड्यूटी देयर ऑन विल बी 12%. द मशीन विल हैव एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 3 years एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन SLM बेसिस. अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एट ₹4 lakhs फॉर द फर्स्ट ईयर विद 6% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर. फिक्स्ड ओवरहेड आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर. अज्यूमिंग दैट द एवरेज कन्वर्जन रेट टू बी 50 पर डॉलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मंथली एंड ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इज 3000 टॉयज पर मंथ. कंप्यूट द मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. इन वॉट कंटिजेंसी कैन देर बी ए सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर एज ए होल. हाउ हैव यू एनी कमेंट टू द ऑफर ऑन द अबव. तो पहले अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले गिवन करके हम लोग लिख लेते हैं, राइट. क्या प्रोडक्ट है फ्रेंड्स अपने पास? अपना प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, दिस इज गिवन और अपना नेम ऑफ द प्रोडक्ट है जंपिंग मंकी. ओके, इट मींस आपका एक्सपेक्टेड सेल्स है 3000 पर मंथ और 36,000 नंबर्स एंड पर एनम. सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट फ्रेंड्स, वेरिएबल प्राइस में अपने को क्या दे रखा है? मटेरियल कॉस्ट 60 रुपीज, लेबर कॉस्ट 25, वेरिएबल ओवरहेड 20, प्राइमरी पैकिंग 15, टोटल 60, 25, 20 एंड 15 इज 120. $4 इज द सेलिंग प्राइस विच इज 50 रुपीज पर डॉलर कम्स टू 200 एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 80 रुपीज. सही आंसर नो फ्रेंड्स, योर कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड देन देर इज ए बॉक्स कॉस्ट. बॉक्स में 1 to 50 जंपिंग मंकी हो सकते हैं एंड एट द रेट ऑफ रुपीज 400. और सब कुछ डिटेल्स मैंने आपको
दे रखा है, तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, आप उस पर पूरे पे ध्यान दीजिए, राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट ईयर वन ईयर टू, ओके, फिक्स्ड ओवरहेड 4 लैक्स, 4 लैक्स का 106%, 4,24,000, डेप्रिशिएशन यू टेक स्टार मार्क, ये आपका हो जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, आपका हो जाएगा 1 मंथली। डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन रुपीज 24 लैक्स, ड्यूटी देयर ऑन एट द रेट ऑफ 12%, सो 24 लैक्स का 12% इज 2,88,000 प्लस 24 लैक्स इज 26,88,000, लाइफ इज 3 ईयर्स एंड वी आर फॉलोइंग SLM इज द मेथड फॉर डेप्रिशिएशन। सो डेप्रिशिएशन विल बी 26,88,000 divided by 3 years is 896, आपका डेप्रिशिएशन, ओके, सो दिस इज 896, दिस इज 896, 400 प्लस 896, 1296, 424 प्लस 896, 1320 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, दिस इज 1,10,000, 1296 डिवाइडेड बाय 12 इज 1,08,000, तो आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1,08,000 पर मंथ एंड 1,10,000 पर मंथ, पर ईयर 1296 एंड 1320, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखा है, नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 6%, डेप्रिसिएशन आपको हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ द मशीन एड ड्यूटी और उसका लाइफ है 3 ईयर्स, ओके। अब पहला पॉइंट अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, प्रिपेयर ए मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन, प्रिपेयर ए मंथली एंड ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन एट 3,000 टॉयज पर मंथ, इट मीन्स अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आंसर नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर वन एंड ईयर टू,
मंथली, ईयरली, मंथली, ईयरली, ओके। सबसे पहले सेल्स 3000 नंबर्स, 36,000 नंबर्स, 3000 नंबर्स एंड 36,000 नंबर्स। कॉन्ट्रीब्यूशन थ्री थाउजेंड इंटू एटी, 36,000 इंटू एटी, 3000 इंटू एटी, 36,000 इंटू 80 लेस 1,08,000, just we have calculated 12,96,000, 1,10,000 and 13,20,000 less box cost. Box cost 3000 numbers divided by 50 equal to 1 box and the cost is 400. Similarly, 36,000 into 400 divided by 50. बाकी का जो बचेगा, this is your profit and loss. It means 3000 into 80, 2,40,000 into 12, 2,880. Similarly, 2,40 and 2,880. Say yes or no, friends. 3000 divided by 50 into 400 is 3000 divided by 50 into 400 is 24,000 into 12 is 2,88,000. Profit and loss will be 240 minus 108 minus 24 is 2,88,280 minus 12,96 minus 288 is 12,96,000. 240 minus 24,000 and 2,88,000. 240 minus 110 minus 24, 106, 2,880 minus 1,320 minus 288 is 12,72,000. ये आपको क्लियर हुआ क्या? और सब कुछ तो मैंने आपको दे रखा है पूरा, आप लॉजिक समझ लीजिए, राइट। मंथली, ये अपना ईयर वन, ये अपना ईयर टू, ये मंथली सेल, ये ईयरली, मंथली सेल, ईयरली, सेल्स इन यूनिट्स 3000, 36,000, 3000, 36,000, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए, से यस और नो, बॉक्स कॉस्ट आप माइनस कर लीजिए और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सही है सुनो फ्रेंड्स, सेकंड में अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कंप्यूट ए मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में आपको मंथली आपका क्या ब्रेक इवन पॉइंट है और आपका ईयरली क्या ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपको बताना है। मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट,
ओके, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग बीईपी पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग ब्रेक इवन पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इट मींस सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज 200. व्हाट इज द वेरिएबल प्राइस? 120. वी हैव कैलकुलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 80. नाउ आउट ऑफ दिस देर इज ए फिक्स्ड कॉस्ट. इट मीन्स योर फिक्स कॉस्ट इज 1,08,000. प्रॉफिट आपको क्या चाहिए? जीरो. एंड बॉक्स कॉस्ट है 1 to 50 का से ₹400. 1 to 50 का आपका बॉक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? से ₹400. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो मैंने आपको बताया था बीपी विदाउट बॉक्स. इट मींस 1,08,000 डिवाइडेड बाय 80. आपके नंबर ऑफ मंकीज आ जाएंगे. 1,08,000 डिवाइडेड बाय 80 इज 1,350. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने किया था सेम वे हम लोग जा रहे हैं. पहले हम लोग किसको रिकवर करेंगे फ्रेंड्स? पहले हम लोग रिकवर करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट है. ये बॉक्स कॉस्ट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है और ये स्पेसिफिक कॉस्ट है. इट मींस नाउ बीपी फॉर बॉक्स. अभी आपके पास 1,350 अगर आपको मंकी पैक करने 150 लगेगा. इट मींस 1,350 डिवाइडेड बाई 50 आपके 27 बॉक्सेज आएंगे. एक का कॉस्ट 400 डिवाइडेड बाई 80. इट मींस 27 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 80 एंड दिस कम्स टू 135. देन अगेन बीपी फॉर बॉक्स 135 को आप कैसे पैक करेंगे? सो 135 डिवाइडेड बाई 50 इज 2.7. तो अपने को तीन बॉक्स लेने पड़ेंगे. एक में 50 ले सकते हैं, 150 हमको प्लेस चाहिए 135 का. सेम एग्जांपल जो पहले किया था, 15 अपने पास बैलेंस बचेगा. 3 × 400 / 80 एंड दिस कम्स टू 15. और 15 का प्लेस अपने पास है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 1,500. आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 1,500. अगर आपको चाहिए तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर. तो अगर आपको मंथली ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ये कौन सा था आपका? ये आपका मंथली ब्रेक इवन पॉइंट था. दिस इज मंथली ब्रेक इवन पॉइंट. आपका मंथली ब्रेक इवन पॉइंट था. व्हाट योर मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,500. अगर आप 1,500 यूनिट सेल करते हैं तो आपको क्या आएगा? एग्जैक्टली प्रॉफिट. आपको चाहिए तो आई कैन वेरीफाई ऑल्सो आंसर. इट मीन्स this is your verification, not for exam, just अपने purpose के लिए verification. It means sales 1,500 × 200 is 3 lakhs. Then divide in 2 is your variable cost is 1,500 × 120 is 1,80,000 and contribution equal to less
3 लैक्स इज 1,20,000, 120 यू डिवाइड इन 2, 1 इज ए फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,08,000, 1 इज ए बॉक्स कॉस्ट इज 1500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 400, 1500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 400 एंड दिस कम्स टू 12,000, 12,000, 1,08,000, 120, 180 और आपका टोटल हो जाएगा 3 लैक्स। दिस इज ए वेरिफिकेशन, नॉट फॉर एग्जाम, मैंने सॉल्यूशन में भी नहीं लिया, जस्ट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने किया है, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। ये आपका हो गया मंथली ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, दिस इज योर मंथली ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया मंथली ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ यू गो टू योर ईयरली ब्रेक इवन, ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, वही इट मीन्स सेलिंग प्राइस 200, योर वेरिएबल प्राइस 120, योर कॉन्ट्रीब्यूशन 80, यू डिवाइड इन 3, एक आपका फिक्स कॉस्ट, ईयरली फिक्स कॉस्ट 12,96,000, देन प्रॉफिट इज 0 एंड बॉक्स कॉस्ट 1,250 इज रुपीज 400, 1,250 इज रुपीज 400। फर्स्ट दिस इज योर बीपी विदाउट बॉक्स, बीपी विदाउट बॉक्स इज 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80, 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80 इज 16,200 नंबर्स, 16,200 नंबर्स। नाउ बीपी फॉर बॉक्स, ये आपके नंबर ऑफ मंकी आ गए, ये आपके नंबर ऑफ मंकी आ रहे, नंबर ऑफ मंकी आपके 16,200, लेकिन मंकी के बीच में कंडीशन क्या है कि यू कैनॉट सेल मंकी विदाउट बॉक्स, बॉक्स आपको लगेंगे और 50 के लिए वन बॉक्स लगेगा, तो 16,200 के लिए 16,200 डिवाइडेड बाई 50, 16,200 डिवाइडेड बाई 50 इज 324 बॉक्सेस, एक का कीमत 400 रुपीज डिवाइडेड बाई 80 इंटू 400 एंड डिवाइडेड बाई 80 दिस कम्स टू 1,620 नंबर्स। देन अगेन बीपी फॉर बॉक्स, इट मीन्स 1,620 डिवाइडेड बाई 50, सो 1,620 डिवाइडेड बाई 50 दिस कम्स टू 32.4, इट मीन्स यू हैव टू टेक 33 बॉक्सेस, 33 में यू कैन पैक एट द रेट ऑफ 50, 33 इंटू 50 दिस कम्स टू 1,650, हमको चाहिए 1,620, अपने पास प्लेस बच जाएगा 30 के लिए। अब 33 इंटू 400 एंड दैट यू डिवाइडेड बाई 80, 33 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 80, सेम एग्जाम्पल ना, 165 वापस हमको चाहिए, ओके उसमें से 30 ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे पास बचेगा 135 डिवाइडेड बाई 50, सो 135 डिवाइडेड बाई 50 कम्स टू 2.7, तो हमको लेना पड़ेगा 3 बॉक्सेज, 3 में यू कैन पैक इज 150, हमको जगह चाहिए 135 की, 15 का प्लेस रह जाएगा, इट मीन्स 3
इंटू 400 डिवाइडेड बाई 80, दिस कम्स टू 15, 15 का प्लेस है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 16200, 1620, 165 प्लस 15 इज 18,000, आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 18,000, आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट, आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स 18,000 नंबर्स, आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 18,000 नंबर्स, आपका ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 18,000 नंबर्स, सही है, सुनो फ्रेंड्स, 18,000 नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज योर आंसर नंबर वन का. आंसर नंबर टू, पार्ट टू, आंसर नंबर टू एंड पार्ट टू, क्या पूछा फ्रेंड्स अपने से, कंप्यूट ए मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन यूनिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, मंथली एंड ईयरली यूनिट, कंप्यूट द मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. इन वॉट कंटिजेंसी कैन देयर बी ए सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट, नाउ ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इन वॉट कंटिजेंसी कैन देयर बी ए सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट, इन वॉट कंटिजेंसी कैन देयर बी ए सेकेंड ब्रेक, आज तक अपना जो कंसेप्ट ही मैंने आपको सिखाया था वही यहाँ पे बदल जाता है. ये क्या बोलता है कि भाई बीपी के बाद, बीपी के बाद जो भी सेल्स होता था हम उसको यहाँ पे क्या बोलते थे, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मीन्स आफ्टर बीपी हमारा जो भी सेल होगा, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर बीपी हमारा जो भी सेल होगा, आफ्टर बीपी हमारा जो भी सेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इसका मतलब वहां पे हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर बीपी हमारा जो भी सेल होगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा. बीपी के बाद जो भी सेल हमारा बचेगा उसमें हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर द बीपी हमारे पास जो भी सेल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ. लेकिन यहां पे अलग है, यहां पे आपका पॉइंट अलग है. देखो, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स. इसी से पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट. यहां से आपको पता चलेगा कि यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग. इट मींस दिस इज स्टेटमेंट शोइंग सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिए आप, मंथली एंड ईयरली. अब देखो आपका बीपी सेल्स क्या हुआ था, आपका बीपी सेल्स हुआ था 1500. सपोज अगर आपका एक्चुअल सेल्स होगा 1501, आपका बीपी सेल्स क्या था, 1500. आपका एक्चुअल सेल्स होता है, सपोज आपका एक्चुअल सेल्स होता है 1501, व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल सेल्स, इट मींस व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल सेल्स, योर इंक्रीमेंटल सेल्स विल बी 1. व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1 × 80 = 80. लेकिन ये जो वन सेल हुआ है उसके लिए हमको बॉक्स लगेगा 400 रुपीज का. तो इवन द आफ्टर बीपी सेल्स यू आर मेकिंग लॉस, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यू आर मेकिंग लॉस. इट मींस दिस इज योर बॉक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 400, देयर इज अ लॉस ऑफ 320 डिवाइडेड बाय 80, आपको क्या आएगा 4. तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 1500 प्लस 1 प्लस 4
नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 1505। आपका जो नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1505। आपने सेल किया 18,000 नंबर्स, सपोज योर एक्चुअल सेल्स 18,001, इंक्रीमेंटल सेल्स 1, 1 इंटू 80 इज 80, लॉस 400, टोटल 320, 320 डिवाइडेड बाई 80 इज 4। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 18,000 प्लस 1 प्लस 4 विल बी 18,005। आपका जो नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट सेल होगा, आपका जो नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट सेल होगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18,005। ओके, फोर्थ अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ, हैव यू एनी कमेंट, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, हैव यू एनी कमेंट, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो फोर्थ में मैंने आपको लिखा है फ्रेंड्स, द अबव ब्रेक इवन पॉइंट इज ओनली एप्लीकेबल इफ ऑल द एक्चुअल फिगर्स आर सेम एज पर द बजट। ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया है, ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया है, ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया है, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जितनी भी बजटेड कॉस्ट है वही एक्चुअल में भी होनी चाहिए। अगर आपका कन्वर्जन रेट कुछ चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फिर वीपी नहीं आएगा। अगर आपका मशीन का कॉस्ट बढ़ गया, आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया, तो नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट तभी आएगा जब आपका ये रहेगा। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर होना, बोलिए एकदम आपको क्लियर हुआ कि नहीं। और ये सारा मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा था 5.28 पे, आपको कमेंट्स 5.29 पे आपको कमेंट भी। अब जो मे में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको कराता हूं, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको मे एग्जाम में भी आया था, मे 22 में आपको सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 15 एंड पेज नंबर 5.29, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 5.29। ए हॉस्पिटल ऑपरेट्स ए 40 बेड कैपेसिटी स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। ए हॉस्पिटल ऑपरेट्स ए 40 बेड कैपेसिटी स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, द सेड डिपार्टमेंट लाइफ द चार्जेस ऑफ 425 रुपीज। मीन्स एक पेशेंट से एक बेड का एक दिन का कितना चार्ज करेगा, 425 पर बेड पर डे फ्रॉम द पेशेंट। Using the service, the data relating to the fees collected and the cost for the year 2001 RS under. Fees collected during the year 34,95,625. Variable cost based on patient days 1357,125. Departmental fixed cost 6,22,500. Apportioned cost of the hospital admin charges 10 lakh. Besides the above, nursing staff were employed as per the following scale at 48,000 rupees per annum per nurse. Annual patient days, number of nurse required less than 5,000, 3,000, 5,000 to 7,000, 4,000, 7,000 to 9,000, 6,000, above 9,000, 8,000. The projection for the year 2002 RS under, the cost other than apportioned overhead will go up by 10%. The apportioned overhead will increase by 2,50,000 per annum. The salary of the nursing staff will increase to 54,000 per annum per nurse. The occupancy of the bed capacity is not likely to increase in 2002, and conceptually, the management is actively considering a proposal to close down the department. In that event, the departmental fixed cost can be avoided. Required, present a statement to show the profitability of the department for the year 2001 and 2. Calculate the break-even bed capacity for the year 2002. Increase in the fees per day required to justify continuation of the department. Sabse pehla friend, present a statement to show the profitability of the department
फॉर द ईयर 2001 एंड 2, फॉर द ईयर 2001 एंड 2, इट मीन्स फ्रेंड्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, आ जाइए आप जरा, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका हो जाएगा आंसर वन। ओके ठीक है, नाउ टोटल पर पेशेंट, टोटल पर पेशेंट, ऑलराइट फ्रेंड्स, ईयर 2001 एंड ईयर 2002, ओके, एंड नंबर ऑफ पेशेंट डेज, ए ए फॉर रेवेन्यूज, सिमिलर टाइप सम, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप सम आपका एग्जाम में आया हुआ है मई 22 में आपको एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है। कितना अपने को कलेक्शन हो रहा है फ्रेंड, 34,95,625, और एक जन हमें एक दिन का कितना देगा 425, तो ये स्टार मार्क आप कर लीजिए तो अपने को यहां से नंबर ऑफ पेशेंट मिल जाएंगे 34,95,625 डिवाइडेड बाय 425, 34,95,625 डिवाइडेड बाय 425 इज 8225, B means your variable cost, variable cost is 1357,125 divided by 8225 is 165, balance आपका आ जाएगा C and C for contribution, 425 less 165 is 260, 34,95,625, 1357,125, 2138,500, 2138,500 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8225 से आपको आएगा 260, then D is fixed cost, fixed cost में पहले departmental fixed cost है आपका is 6,622,500,
प्लस आपका एडमिन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है आपका 10 लैक्स, मिलके आपको हो जाएगा 1622 and 500 प्लस देर इज ए ई, ई मीन्स देर इज ए स्पेसिफिक कॉस्ट, जो आपका नर्स का कॉस्ट है, दिस इज ए नर्स कॉस्ट। ओके, कितनी नर्सेज 8225, 8225 किस में आती है, 7000 to 9000 में, 7000 to 9000 के रेंज में आएगी। इसका मतलब कितनी नर्सेज आपको लगेंगी, आपको नर्सेज लगेंगी 6, और एक का सैलरी 48000, 6 into 48000 is 2,88,000. ओके, सो 2,38,500 - 16,22,500 - 2,88,000 is आपका प्रॉफिट हो जाएगा फ्रेंड्स 2,28,000, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,28,000। हाँ फ्रेंड्स, 2,28,000, सही आंसर ना फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, 2,28,000। स्टेटमेंट शोइंग, ये आपका हो गया स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2001 2002, नंबर ऑफ पेशेंट डेज, ये टोटल आपका पर पेशेंट, टोटल पर पेशेंट, ए फॉर रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट डिपार्टमेंटल, ये आपका टोटल आ गया, स्पेसिफिक कॉस्ट ये आपका आ गया, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सही है सोना फ्रेंड्स। अब ये क्या बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रेंड्स, द ऑक्यूपेंसी ऑफ द बेड कैपेसिटी इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज इन 2002। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट क्या रहने वाले हैं, 8225। कंसेप्चुअली द मैनेजमेंट इज एक्टिवली कंसीडरिंग ए प्रपोजल टू क्लोज डाउन द डिपार्टमेंट दैट इवन द डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। तो बोल रहे कि भाई हम बंद कर देंगे तो आपका डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, अवॉइड हो सकता है, लेकिन वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, द प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2002 आर एस अंडर, द प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2002 आर एस अंडर द कॉस्ट अदर देन अपोर्शन ओवरहेड विल गो अप बाय 10%। द कॉस्ट अदर देन अपोर्शन, अपोर्शन ओवरहेड, अपोर्शन ओवरहेड आपका, आपका अपोर्शन ओवरहेड है एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड को छोड़ के, एडमिन ओवरहेड को छोड़ के, एडमिन ओवरहेड को छोड़ के आपकी सारी कॉस्ट 10% से बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे वेरिएबल है 165 into 110%, 165 into 1.1 is 181.5, हो जाएगा 181.5। द अपोर्शन ओवरऑल विल गो बाय 2,50,000, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2,50,000 से बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 622,500 into 110%, 684,750, it means 684,750 plus 12,50,000 is 19,34,750, आपका सेलिंग प्राइस, द प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2002 आर एज अंडर द कॉस्ट अदर देन अपोर्शन ओवरहेड
go up by 10%, the apportioned overhead will increase 2,50,000. The salary of nursing staff 54,000 per annum. It means पहले आपका था 48, अब हो जाएगा 54. It means 6 × 54, 3,24,000. The occupancy of the bed capacity is not likely to increase in 2002, and conceptually the management is actively considering a proposal to close down the department. In that event, the departmental fixed cost can be avoided. Okay, अब आपका collection होगा same 34,95,625 @425. Okay, so 8225 × 181.5 is 14,92,837.5 − 34,95,625 = 20,2,787.5. सही आंसर। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस −6,84,750 − 3,50,000 − 3,24,255,962.5. ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, सही है सुनो, ये आपको आ जाएगा लॉस ऑफ 255,962.5. ये आपका हो गया आंसर नंबर वन, प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके पास टोटल, ये आपका पर यूनिट। अब क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन 2002। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, 425 − 181.243.5 ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सही है सुनो फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग ब्रेक इवन पॉइंट इन 2002। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेक इवन पॉइंट इन 2002, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड नर्स कॉस्ट। नर्स कॉस्ट इज 54,000 rupees पर एनम, अदर देन नर्स योर फिक्स कॉस्ट इज 19,34,750. ओके, सेलिंग प्राइस इज 425, सेलिंग प्राइस 425, वेरिएबल कॉस्ट 181.5, 425 − 181.5 इज 243.5। आपका सेलिंग प्राइस है 425, वेरिएबल प्राइस आपका ये है, आपका कंट्रीब्यूशन ये है, आपका फिक्स कॉस्ट ये है, और आपका नर्स स्टाफ का कॉस्ट है 54,000। सही है सुनो, ये आपका जो है, ये जो आपका कॉस्ट है, ये आपका स्पेसिफिक कॉस्ट है, दिस इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट। ये आपका कौन सा कॉस्ट है, ये आपका स्पेसिफिक कॉस्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट। अब आप आ जाइए फ्रेंड, दिस इज बीपी
बीपी विदाउट, बीपी विदाउट नर्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट डेज अपने पास आ जाएंगे, नंबर्स, इट मींस 19 लाख 34,750 डिवाइडेड बाय 243.5, 19,34,750 डिवाइडेड बाय 243.5, 7945.58। लेकिन इनके लिए हमको क्या चाहिएगा, इनके लिए हमको चाहिए नर्स। तो बीपी, बीपी फॉर नर्स, कितने नर्स लगेंगे, 7945 किस रेंज में आएगा, 7945 को आप जरा देखिए किस रेंज में आएगा फ्रेंड्स, 7945 आपका रेंज में आएगा 7000 to 9000, इट मीन्स अप टू 9000, और हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 7945.58, तो हमारे पास बैलेंस रह जाएगा माइनस 9000 इज 1054.41 का हमारे पास बैलेंस रह जाएगा, 1054.42 यू कैन टेक, 42 का हमारे पास बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए इसमें कितने नर्स आपको लगेंगे, इट मीन्स 6 नर्सेस, एक का सैलरी 54,000, इट मीन्स 6 into 54 इज 3,24,000 डिवाइडेड बाय 243.5 एंड दिस कम्स टू 1330.59। अब इन दोनों को हमने टोटल किया तो ये हमारा क्या आएगा, बीपी, इट मींस प्लस 7945.58 इज 9276.17। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारा बीपी तो ये आ गया लेकिन नर्स का कॉस्ट तो हमने कहां तक लिया, अप टू 9000, और जबकि हमारे पेशेंट जो है वो तो 9000 से क्रॉस हो गए, इसका मतलब अगर अबव 9000 है तो अपने को कितनी नर्स लगेंगी, 8, और हमने कितनी नर्स की सैलरी ली है, ओनली 6, तो 2 का और लेना पड़ेगा, एडिशनल नर्स 2 into 54 डिवाइडेड बाय 243.5, 2 into 54 डिवाइडेड बाय 243.5 इज 443.53, 9276.17 प्लस 443.53 9719.7, ये आपका मतलब 9720 पे आपको क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, 9720 पे आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, 9720 पे आपको क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही आंसर नो फ्रेंड्स। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा बीईपी है 9719.7 पे या 9720 पे, और हमको एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट मिलेंगे 8 to 25, हमको पेशेंट मिलने वाले हैं 8 to 25, पेशेंट हमको मिलने वाले हैं 8 to 25, पेशेंट हमको मिलने वाले हैं 8 to 25, और जबकि हमारा बीपी कहाँ पे होगा, 9720 पे, पेशेंट कम, तो हम क्या करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस,
ये जो जितना भी लॉस अपना हो रहा है, ये जो अपना जितना भी लॉस हो रहा है 255, 962.5 लॉस है, वो कौन बियर करेगा? वो 8 to 25, तो ही जाके हम लोग हॉस्पिटल को चला पाएंगे। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है, देखो जरा। इट मींस क्या बोलना चाह रहा है, इंक्रीज इन द फीस पर डे रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई कंटिन्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट। आपको अगर इसको डिपार्टमेंट को चलाना, तो ये लॉस आपको किससे लेना पड़ेगा, बिकॉज यू कैनॉट इंक्रीज द पेशेंट, आप पेशेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो भी लॉस हो रहा है वो किससे लेना पड़ेगा, 8 to 25। ओके, सो इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट मींस प्रेजेंट फीस आपका कितना है, आपका प्रेजेंट फीस है 425। ओके, एंड आपको लॉस हो रहा है एट प्रेजेंट 255, 962.5 डिवाइडेड बाय 8 to 25। 255, 962.5 डिवाइडेड बाय 8 to 25 इज 31.12 प्लस 425 इज 456.12। ये आपका क्या रहेगा, रिवाइज्ड फीस। अगर आपको हॉस्पिटल को चलाना है तो आपको ये फीस रखना पड़ेगा 456.12। अगर आपको चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा है, अगर चाहिए तो हम लोग इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। दिस इज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इट मींस सेलिंग प्राइस 456.12 लेस वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल प्राइस 181.5 माइनस 181.5 274.62, और हमारे पास पेशेंट है 8 to 25, तो हमको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट मींस इनटू 8 to 25 22,58,750, उसमें से हमारा फिक्स कॉस्ट है 19,34,750 माइनस 19,34,750, और 3,24,000 हमारे लिए किसके लिए बचेगा, नर्स के लिए, और नर्स डिवाइडेड बाई 54,000 रुपीज एक जन का है, तो 324 डिवाइडेड बाई 54,000 एंड दिस कम्स टू 6 nurses, आपका 6 nurses आपकी किस में आ जाएंगी, देखो जरा 6 nurses अपनी कौन सी रेंज में आ जाएंगी फ्रेंड्स, 6 nurses अपना 7,000 to 9,000 के रेंज में आ जाएगी। बोलो या सुनो, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 8 to 25, वो आपकी किस रेंज में आ जाएगी, 7 to 10 करके। ये वेरिफिकेशन एग्जाम के लिए नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस के लिए है। आप मुझे बताइए आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मींस हमारा जो प्रेजेंट फीस था और जितना अपने को लॉस हो रहा है, वो लॉस हम लोगों ने रिकवर कर लिया, ये हमारा रिवाइज फीस हो जाएगा, ये रिवाइज फीस, ये हमारा रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, पेशेंट हमको मालूम है 8 to 25 ही मिलने वाले हैं, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसमें से हमारा फिक्स कॉस्ट ये बचा, डिवाइडेड बाई एक नर्स को हम कितना देंगे 54,000, डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी
क्योंकि सिक्स नर्सेज मीन्स किस में आएंगी, 7,000 to 9,000 एंड दैट्स इट। सही आंसर। तो ये आपका था स्पेसिफिक का। अब मैं नेक्स्ट आपका जो वीडियो है उसमें मैं आपको कराता हूँ फ्रेंड्स, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में आता है, इज ए कंसेप्ट ऑफ शट डाउन पॉइंट, मीन्स वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन। इट इज ए पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शट डाउन। उनको फैक्ट्री को बंद करके नहीं भागना है, दे हैव टू टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शट डाउन, मीन्स ऑपरेशन करने का है कि नहीं करने का है, वो अपन देख लेते हैं। ओके, थैंक यू।